सो गाइस फाइनली ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी है। इवेंट अच्छे तरीके से अब हमारा ओपन हो जाएगा और इस इवेंट में मैं बताऊंगा कि आपको कितने ज्यादा डायमंड लग सकते हैं, मतलब एक बंडल जो आप सिलेक्ट करोगे उसको निकालने में कितने ज्यादा डायमंड लग सकते हैं। अब जैसे आप एक बंडल सिलेक्ट करोगे तो 10x चांस होंगे, मतलब 10 गुना ज्यादा चांस होंगे कि आपके वही बंडल निकलेगा, ठीक है, और बंडलों की अपेक्षा। तो देखते हैं, सबसे पहले इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कोई आपको एक बंडल सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छे से चाहिए, ठीक है। मैंने ब्रेक डांसर बंडल सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर को होना क्या है, जैसे कि आप स्पिन करोगे, वन स्पिन करोगे 40 डायमंड का, या 5 स्पिन करोगे 180 का, तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि 10 गुना चांसेस रहेंगे और बंडल तो नहीं निकलेंगे, आपका ये वाला बंडल ही निकलेगा जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे प्राइस पूल देखने को भी आपको मिल जाएंगे। प्राइस पूल देख लेते हैं भाई क्या क्या है, मतलब बकवास आइटम बहुत है, बंडल है और गन्स की क्रेट है और बाकी बकवास सी चीजें। अब देखो मेरे पास मंथली मेंबरशिप ले रही है 6 डायमंड है, बाकी स्पिन कल करूंगा। अब देखते हैं एक स्पिन में मिलता है कि नहीं 40 का स्पिन, फिलहाल तो नहीं मिला, शायद कल के स्पिनों में मिल जाए। और बात कर ले कितने डायमंड में आपका ये बंडल निकल सकता है, तो मैं बता रहा हूँ कम से कम आपका 500 डायमंड में निकल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्टेड हुआ बंडल 1000 डायमंड के अंदर निकल जाएगा, मतलब ज्यादा डायमंड नहीं लगने वाले आपके। और आई होप वीडियो अच्छी, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।